इंद्रधनुष जो होता है वो सात रंगों का होता है और सात रंग मिलके एक रंग बनता है जो है सफेद, और सफेद मेरा फेवरेट कलर है। विकी और अंकिता ने एक सोशल कॉज के लिए किया शूट। अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन आजकल काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। इनका सॉन्ग लोगों को काफी पसंद आ रहा है और खास करके इनका लुक जो कि बहुत ही अलग है। एज अ परफॉर्मर बहुत खुशी हुई कि मैं ये कर पाई, क्योंकि बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता ऐसे काम करने का, यू नो, ऐसे किरदार निभाने का, और अगर वो मुझे मिला है, मैंने शिद्दत से किया है और आप सबने इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल। वेल, ऐसे में विकी और अंकिता इसका फीडबैक भी लाइक कर रहे हैं। हाल ही में विकी एंड अंकिता पहुंचे डिजाइनर रोहित वर्मा के यहाँ और रोहित के साथ मिलकर किया एक खास शूट जो कि एक सोशल कॉज के सपोर्ट में था। इस कलेक्शन का नाम है इंद्रधनुष। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने रोहित के बहुत सारे फैशन शोज देखे, मैं रोहित को बहुत सालों से जानती हूँ और उनका हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। मैंने पिछली बार भी बॉम्बे टाइम्स देखा था जहाँ पे उन्होंने सब, यू नो, सेटअप बनाते हैं, एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें कि आपको, आप एक स्टोरी लाइन देख रहे होते हो। इट्स नॉट जस्ट कि एक फैशन शो हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, एक कॉन्टेंट होता है, एक कहानी होती है जो आपको सच में एक मैसेज देती है। सो मैं इसके लिए हमेशा रोहित की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और जब ये चीज़ रोहित ने अप्रोच की मुझे और विकी को लेकर, तो मैं स्पेशली इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसलिए ज़्यादा इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि ये सारे लोगों को मिला के एक चीज़ बन रही है, यू नो, आज जो रोहित मैसेज देना चाह रहे हैं, एक इंद्रधनुष जो होता है वो सात रंगों का होता है और सात रंग मिलके एक रंग बनता है जो है सफेद, और सफेद मेरा फेवरेट कलर है। फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं टाइम्स अवार्ड्स पे एंड आई एम सो एक्साइटेड। मनीषा के बारे में मैं इतना सुन चुकी हूं कि उससे मिलना तो तय ही था। मन्नारा और मनीषा की फर्स्ट मीटिंग रही इंटरेस्टिंग। मन्नारा चोपड़ा और मनीषा रानी पहली बार मिले एक दूसरे से और उनकी ये मीटिंग रही काफी यादगार। मैं अभी फर्स्ट टाइम मिली हूं मन्नारा से, बट आई लाइक हर वाइब, बहुत चिल्पी है, कूल है, मस्त है, अच्छा लगा। थैंक यू। दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने थे। मन्नारा ने मनीषा की खूब तारीफ की, वहीं मनीषा ने भी मन्नारा के बारे में बहुत कुछ बोला। इतना ही नहीं, मन्नारा ने ये भी बताया कि मनीषा उनके घर आने वाली है और स्पेशल खाना भी बनाने वाली है। और मनीषा मेरे घर आ रही है, बस वो मेरे घर आ रही है, खाना वो बना रही है, मैं नहीं बना रही। कपिल शर्मा का सुनील ग्रोवर के साथ खास पोस्ट। कपिल शर्मा ने अपने एक पोस्ट से सबको कर दिया एंटरटेन। जी हाँ, ये पोस्ट कुछ खास है। कपिल ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी और सुनील ग्रोवर की पिक पोस्ट की जहाँ वो दोनों एक साथ फ्लाइट में बैठे हुए हैं और लिखा, डोंट वरी गाइस, इट्स अ स्मॉल फ्लाइट। फिर क्या कमेंट्स की भरमार हो गयी। वेल, अगर आपको याद होगा तो कपिल और सुनील के बीच दरार भी एक फ्लाइट में ही आई थी, तो क्या कपिल ने इनडायरेक्टली उस फ्लाइट वाली फाइट की याद दिला दी। एल्विश कुछ कहना है? एल्विश आपने अपना जुर्म कबूला है? एल्विश यादव सांपों का जहर मंगाने के लिए करता था वर्चुअल नंबर यूज। बिग बॉस OTT2 विनर एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की जिसमें कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस चार्जशीट में नोएडा पुलिस ने दावा किया है कि एल्विश यादव सांपों के जहर के लिए एक वर्चुअल नंबर का यूज करता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि एल्विश को जब पार्टी में सांपों के जहर की जरूरत होती थी तो वो विनय को वर्चुअल नंबर से कॉल करता था, जिसके बाद विनय अपने करीबी ईश्वर को कॉल करता जो राहुल और अन्य सपेरों के संपर्क में था। सपेरे उसके द्वारा बताए गए ठिकानों पर पहुँच जाते थे। कुल मिलाकर इसी आधार पर पुलिस ने सारी कड़ी जोड़ी है।